भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक चिंद से हूँ। आज की हमारे वीडियो का विषय है चौधरी लाल चंद। चौधरी लाल चंद जो नहीं, वो अपने समय के एक जाने माने वकील थे। वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के थे। उनका जन्म रोहतक के जिले के गांव बालोट के अंदर हुआ था, इसलिए उनको चौधरी लाल चंद बालोटिया भी कहते हैं और चौधरी लाल चंद फोगाट भी कहते हैं, क्योंकि उनके बड़े बेटे ने जो है नी DLF नाम की कंपनी बनाई थी, जो 4 जुलाई 1946 को रघुवेंद्र सिंह ने, जिसका नाम DLF है, जिसका मतलब है दिल्ली लैंड फाइनेंस लिमिटेड। लेकिन हंसी मजाक में लोग ये भी कह देते हैं DLF मीन्स दादा लालचंद फोगाट। तो जब चौधरी छोटूराम ने सन 1911 के अंदर आगरा से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में वकालत की डिग्री पास की, उन्होंने लगभग एक साल तक आगरा के अंदर वकालत की। उसके बाद वो अक्टूबर 1912 के अंदर जोने रोहतक में आ गए। उस समय रोहतक के अंदर 3 जाट वकील थे, चौधरी लालचंद, चौधरी रामचंद्र और चौधरी नवल सिंह, और चौथे जाट वकील चौधरी छोटूराम थे। चौधरी छोटूराम ने और चौधरी लालचंद ने फरवरी 1913 के अंदर पार्टनरशिप के अंदर वकालत कर ली। चौधरी छोटूराम क्रिमिनल के लॉयर थे और चौधरी लालचंद जो थे वो सिविल सूट के लॉयर थे, क्योंकि वो वकील बनने से पहले तहसीलदार थे। वो बड़े खाते पीते घर के आदमी थे, उनके पिताजी के पास काफ़ी ज़मीन थी, और जो नहीं वो तहसीलदार की नौकरी छोड़कर, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती थी, उसको छोड़कर वकील बने थे। चौधरी छोटूराम और चौधरी जोनी लालचंद की जोड़ी जोनी मशहूर थी। उस टाइम जोनी डिस्ट्रिक्ट रोहतक के जोनी किसान वर्ग के नेता या जाटों के नेता चौधरी लालचंद थे और चौधरी छोटूराम जोनी उनको फॉलो करते थे। दोनों ने जोनी रोहतक के अंदर जाट एसोसिएशन बनाई 1913 के अंदर, और जोनी फिर जाट हाई स्कूल मार्च 1913 के अंदर शुरू किया। सन 1916 के अंदर जोनी वो जाट गजट पत्रिका निकाली, जो उर्दू में थी। इस पत्रिका के लिए राय बहादुर कन्हैया लाल जी ने, जो मातन गांव के रहने वाले थे, 1500 रुपये चंदा दिया था जब ये पत्रिका शुरू की थी। और चौधरी छोटूराम जोनी 1916 से 1920 तक इस जाट गजट अखबार के जोनी वो एडिटर भी थे। चौधरी लालचंद जोनी उनकी सरकार के अंदर बहुत चलती थी। जो 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार था, 4 अगस्त 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, उसके अंदर जोनी अंग्रेज़ों को फौज के अंदर भर्ती सैनिकों की ज़रूरत थी। चौधरी लालचंद जो थे नी वो प्रोविंशियल रिक्रूटिंग बोर्ड स्टेट लेवल के ज्वाइंट पंजाब के, जिसके अंदर पाकिस्तान का पंजाब, हरियाणा का पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा था, उसके बोर्ड के मेंबर थे। और चौधरी छोटूराम जोनी वो डिस्ट्रिक्ट रोहतक के जोनी वो रिक्रूटिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे, और दोनों ने मिलकर जिला रोहतक से 22,144 जवानों को जोनी फौज के अंदर भर्ती करवाया था। इससे उन सरकार के अंदर उनका काफ़ी जो है नी वो मान बढ़ गया। और सन 1915 के अंदर चौधरी लालचंद ने और चौधरी छोटूराम ने मिलकर, अंग्रेज़ों से मिलकर, सरकार से, पंजाब गवर्नमेंट से ये डायरेक्शन जारी करवाई थी कि आगे के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर अंबाला डिवीज़न के जोनी बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा सर, और उनको सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस लड़ाई के अंदर मैं ये स्पष्ट कर दूँ, सभी पार्टियाँ, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, चाहे गांधी थे, पटेल थे, सभी जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। और इसी तरह से चौधरी लालचंद ने और चौधरी छोटूराम ने भी हरियाणा के अंदर किसानों के बच्चों को फौज में लगवाने के लिए बहुत काम किया, क्योंकि उनकी ये सोच थी कि किसान उस टाइम जो नहीं कर्ज के अंदर डूबा हुआ था, सूदखोरों का बोलबाला था, कि किसान तभी बच सकता है जब उसके खेती के अतिरिक्त कोई दूसरी राय होगी, और उसका तरीका है एजुकेशन, किसानों के बच्चे पढ़ें, उसके लिए स्कूल खोले जाएं, फिर वो सरकारी नौकरियां करें, खेती में उस सूदखोरों से उनको बचाया जाए और खेती के लिए सिंचाई का प्रबंध किया जाए। ये चौधरी लालचंद की सोच थी। चौधरी लालचंद राजनीति में जो है नी वो चौधरी छोटूराम से सीनियर थे, और खुद चौधरी छोटूराम भी चौधरी लालचंद को अपना नेता मानते थे और बड़ा भाई मानते थे। इसी प्रकार से जो
1919 के अंदर जोनी वो गवर्नर काउंसिल के सदस्य थे और उन्होंने जोनी कंपल्सर पंजाब प्राइमरी कंपल्सरी एजुकेशन बिल पास करवाया ताकि किसानों के बच्चे पढ़ सकें। फिर 1920 के अंदर जोनी 1919 के एक्ट के तहत 1920 के अंदर पंजाब के अंदर चुनाव हुए। चौधरी लाल चंद ने जोनी चुनाव लड़ा और उनकी कंस्टिट्यूंसी थी रोहतक गोवाना, उससे वो चुनाव जीत गए क्योंकि उनके विरोधी का जो उन्होंने फार्म भरा था इलेक्शन का वो इनवैलिड हो गया और वो जोनी निर्विरोध MLA बन गए। इस चुनाव के अंदर मैं ये स्पष्ट कर दूँ, चौधरी छोटूराम 22 वोटों से हार गए थे। वो चौधरी स्वरूप सिंह रिसालदार चौधरी स्वरूप सिंह बादली वाले से आ रहे थे, इसलिए वो उस टाइम पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे विधानसभा को, उसमें भी नहीं जा सके। 1901 वर्ल्ड वार के अंदर रोहतक डिस्ट्रिक्ट के 46 आदमियों को इनाम मिला था और उसमें चौधरी लालचंद जुको ने जो है सबसे ज़्यादा इनाम मिला था, उनको राय बहादुर का खिताब मिला, राय साहब का खिताब मिला, OBE ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला, 5 मुरबे मिले और जोनी 750 रुपये नगद इनाम मिला। वो गवर्नर की डिवीजन काउंसिल के जोनी वो उसके अंदर उनको सीट मिली। उनके बराबर का इनाम जोनी मैं ये स्पष्ट कर दूँ राव बलबीर सिंह को मिला था, जो कि राव वीरेंद्र सिंह राव बलबीर सिंह के दत्तक पुत्र थे और राव बलबीर सिंह राव तुलाराम जी के जोनी वो पोते थे, रियल पोते थे। उन्होंने जो है 1920 में इलेक्शन जीता, 1926 में जीता राव बलबीर सिंह ने, 1930 में जीता, 1937 में जीता और 1941 के अंदर लाहौर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसी MLA हुई है जो कि निर्विरोध बनी थी, वो राव बलबीर सिंह की बेटी सुमित्रा बाई थी, बाई सुमित्रा बहन, जो कि 1957 के अंदर रिवाड़ी से निर्विरोध जोनी वो MLA बनी थी, और या जोनी चौधरी लालचंद थे जो 1920 के अंदर निर्विरोध MLA बने थे, वो आज़ादी से पहले बने थे और बाई जी जोनी उन आज़ादी के बाद निर्विरोध MLA बनी थी, ये जोनी हरियाणा का रिकॉर्ड है। राव चौधरी लालचंद 1920 का चुनाव जीते, फिर उन्होंने वो उनको मंत्री में उनका नंबर था, लेकिन उनके खिलाफ जो है नहीं ये हिंदू महासभा वाले और कांग्रेस वाले हो गए, जिनमें विशेष रूप से लाला जोनी लाजपत राय और जोनी राय बहादुर लाल रामशरण, अच्छा लाला रामशरण जी, और रोहतक के जो कि सांपला के थे लाला श्याम लाल थे, उन्होंने उसको मंत्री नहीं बनने दिया। इससे पहले 1920 के अंदर ही चुनाव के अंदर चौधरी छोटू राम ने लाला लाजपत राय को कहा था कि चौधरी लालचंद की सपोर्ट की जाए, उन्हें कांग्रेस का टिकट दिया जाए। लाला लाजपत राय में यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ 1914 से 1920 तक वो अमेरिका में रहे थे और 1920 में ही आए थे और पंजाब के जोनी इलेक्शन कमेटी के सर्वे सर्वा थे, लेकिन लाला लाजपत राय ने इनकार कर दिया और उन्होंने बहाना बनाया कि चौधरी लालचंद माइकल ओडायर की जोनी वो रिसेप्शन पार्टी के अंदर शामिल थे। इस पार्टी के अंदर डॉक्टर गोकुलचंद नारंग, लाला आर किशन गाबा और ये भी शामिल थे, राजा नरेंद्र नाथ हिंदू सभा वाले, और लेकिन लाला लाजपत राय ने उनका तो इलेक्शन में जितवाया और समर्थन किया और जोनी चौधरी छोटू राम के कहने पर भी चौधरी लालचंद का विरोध किया। इससे इसका छोटू राम ने कहा कि चौधरी लालचंद का इसलिए विरोध किया गया है क्योंकि वो जाट थे, ये जाट और नॉन जाट की राजनीति उस वक्त भी होती थी। जोनी कांग्रेस वालों ने चौधरी लालचंद को 1920 के अंदर मंत्री भी नहीं बनने दिया और जोनी उनकी जगह एक सरफजले हुसैन बने थे, एक तो मंत्री मुसलमानों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से कांग्रेस और हिंदू महासभा वालों ने लाला कृष्ण लाल को जोनी वो मंत्री बन लाला कृष्ण लाल गाबा को मंत्री बनवा दिया। फिर जोनी चौधरी लालचंद जोनी गवर्नर की स्टेट काउंसिल के सेंटर में स्टेट के मामलों के जोनी वो सलाहकार बने और उन्होंने फिर रूरल एरिया और अर्बन एरिया की अलग अलग कंस्टिट्यूंसी की मांग की और उन्होंने कहा कि कंस्टिट्यूंसियाँ हमें सीटें जोनी वो हमारी जनसंख्या के आधार पर दी जाएँ। उन्होंने पली ली कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो मेन उस समय लैंड रेवेन्यू होता था वो देहात से आता है, जबकि सारा पैसा शहरों में लगा जाता है,
तो ये शहरी अर्बन और रूरल की लड़ाई भी 1920 से ही शुरू है, आज शुरू नहीं हुई है। तो उन्होंने रूरल ब्लॉक बनवाया जो बाद में 1923 के अंदर जो यूनियनिस्ट पार्टी के अंदर बन गया, बदल गया। यूनियनिस्ट पार्टी एक सेकुलर लोगों की पार्टी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी थे, लेकिन उसमें किसान लॉबी कहो या जाट लॉबी वो जो नहीं वो ऐसी पड़ती थी। जैसे सर फजल हुसैन जो थे वो तो बट्टी राजपूत थे, बटाला के रहने वाले थे, इंग्लैंड रिटर्न थे, इंग्लैंड से ला करके आए थे वो, लेकिन एक वो छोटे किसान के बेटे थे। उनके पिताजी शुरू में क्लर्क लगे थे, लेकिन तरक्की करते हुए वो पेशावर के जज बन गए थे। और उनको रिटायरमेंट के बाद भी उनके पिताजी को नौकरी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने भाइयों की सेवा करूँगा। इसी तरह सर फजल हुसैन जोनी वो फाउंडर मेंबर थे यूनियनिस्ट पार्टी के, सर फजल हुसैन, चौधरी लालचंद और चौधरी छोटू राम। चौधरी लालचंद ने 1923 के अंदर फिर चुनाव लड़ा, इस चुनाव में फिर वो जीत गए, लेकिन इस चुनाव चौधरी छोटू राम भी जो इस चुनाव के अंदर जीत गए। चौधरी लालचंद को फिर मंत्री बनना था, लेकिन हिंदू सभा वालों ने, लाला लाजपत राय ने और कांग्रेस और हिंदू सभा वालों ने वो पटीशन डलवा दिया। चौधरी लालचंद ये चुनाव चौधरी मातू राम हुड्डा जो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा थे उनसे जीते थे। मातू राम ने पटीशन डलवा दिया, पटीशन के अंदर हुड्डा मातू राम हुड्डा की जीत हुई और जोनी चौधरी लालचंद को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो फिर जो है नी वो भरतपुर के ये चौधरी छोटू राम भरतपुर के राजा जो कि जाट राजा थे उनके पास गए और भरतपुर स्टेट के अंदर उनको मंत्री बना दिया गया। इससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूँ, चौधरी मतलब लालचंद के जो फाउंडर मेंबर थे और यूनियनिस्ट पार्टी की सारी नीतियाँ जो हैं वो चौधरी लालचंद ने बनाई थी। चौधरी छोटू राम भी उनको जैसे शेर शाह सूरी को जो को इतिहास के अंदर अकबर महान का अकबर दी ग्रेट का अग्रगामी कहा जाता है कि जो नीतियाँ शेर शाह सूरी ने बनाई थी वही अकबर ने लागू की। टोडरमल जो था राजा टोडरमल जो अकबर का वजीर था जिसने सारी भूमि का बंदोबस्त किया और भूमि की पैमाइश की, वो पहले जो है नहीं राजा इस शेर शाह सूरी का ही मंत्री था। तो इसी प्रकार से जोनी चौधरी लालचंद जोनी चौधरी छोटू राम के अग्रगामी थे, उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी चौधरी छोटू राम ने वही आगे बढ़ाई और उससे रूरल एरिया को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। चौधरी लालचंद जोनी उसके बाद भी जोनी हरियाणा की राजनीति में तो वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते थे लेकिन हिस्सा लेते थे। जब चौधरी छोटू राम पावर में आए तो उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर चौधरी लालचंद को बनवा दिया और जो है नी इससे जो नी हरियाणा के बच्चों को बहुत फायदा हुआ और चौधरी लालचंद ने किसानों के बच्चों को बहुत ज़्यादा नौकरी लगवाया। चौधरी लालचंद ने जो नी अनेक काम किए, जैसे जब यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब के अंदर 1923 से 1946 तक पावर में रही है, सिकंदर आज खान जोनी जो 1 अप्रैल 1937 को पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर बने, उस टाइम प्रीमियर कहते थे प्रधानमंत्री, वो भी जाट थे, खीजर आज खान भी जाट थे, चौधरी लालचंद फोगाट भी जाट थे, चौधरी छोटू राम भी जाट थे और इसके अतिरिक्त पंजाब के मुस्लिम जाट और सिख जाट जोनी वो यूनियनिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे, चाहे वो यूनियनिस्ट पार्टी में नहीं थे तब भी दूसरी पार्टियों में थे तब भी अपने आप में एक ग्रुप था। जैसे सर जोगिंदर सिंह जोनी वो 1926 के अंदर सरदार मंत्री बने, 1930 में फिर दोबारा बने, हालांकि उनकी कोई पार्टी नहीं थी, वो निर्दलीय MLA थे। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि सरदार जोगिंदर सिंह, सरदार सिमरनजीत सिंह मान जो संगरूर से MP हैं उनके पिताजी थे और वो चौधरी छोटू राम के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी प्रकार सुंदर सिंह मजीठिया जो 1937 से 1946 तक यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार में जो नी इरीगेशन मंत्री रहे वो चौधरी छोटू राम के बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी के नहीं थे। हरियाणा के अंदर जो सुंदर ब्रांच नहर है उन्हीं ने चौधरी छोटू राम के कहने पर निकलवाई थी और उन्हीं के नाम उस नहर का नाम सुंदर ब्रांच रखा गया था। चौधरी लालचंद ने जो है नी हरियाणा के लिए बहुत काम किए
और उसमें ये स्पष्ट कर दूं कि 1914 से 1918 जो है नी जब इन लोगों के नाम मिले जब तो उसमें घासीराम चौधरी घासूराम मल्लिक को राय बहादुर का खिताब मिला था, उनको भी 6 मुरबे मिले थे, रिसालदार जोनी स्वरूप सिंह को बादली वाले को जिन्होंने जोनी चौधरी छोटू राम को 1920 में 22 वोट से रहा था उनको भी 5 मुरबे और राय बहादुर का खिताब मिला था। राव बलबीर सिंह को जोनी चौधरी लालचंद के बराबरी नाम मिला था उनको भी 5 मुरबे 750 रुपये नकद इनाम ओ बी ई और राव साहब का खिताब और गवर्नर के दरबार में सीट मिली थी। तो इस प्रकार से वो जोहनी अपने समय के बहुत बड़े नेता थे और चौधरी छोटू राम को नीतियां बनवाने वाले चौधरी लालचंद थे। चौधरी लालचंद का देहांत जोहनी मैं ये बता दूं वो 1960 के अंदर हुआ था। चौधरी लालचंद जोहनी वो जोहनी धर्म की बजाय यूनियनिस्ट पार्टी के लोग धर्म को कम महत्व देते थे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक मानते थे और ये कहते थे कि धर्म की बजाय जोनी जाति की जड़ें जोनी वो ज़्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि आदमी अपने धर्म को तो बदल सकता है लेकिन जाति को नहीं बदल सकता। चौधरी लालचंद ने सिख जाट फैमिली के अंदर शादी की थी, उनके 3 बेटे थे और एक लड़की थी। उनके सबसे बड़े बेटे जोनी कैप्टन रघुवेंद्र सिंह थे जिन्होंने 4 जुलाई 1946 को जो है नी DLF की स्थापना की। उनके दूसरे बेटे कुंवर शमशेर सिंह थे जो पंजाब के अंदर IG और DGP रहे और उनके तीसरे बेटे जो है नी चौधरी देवेंद्र सिंह जो हैं वो चंडीगढ़ के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और चौधरी जोनी लालचंद जी को जोनी यूनियनिस्ट पार्टी का दादा भाई नारोजी कहा जाता है और जोनी वो किसानों के नेता थे, पार्टी में सबसे सीनियर नेता थे और वैसे भी उनको लोग जोनी दादा लालचंद फोगाट कहते हैं। चौधरी लालचंद जोहनी ने किसानों के लिए बहुत कुछ काम किया है। भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।